हाँ कर दीती मौलवी साहब, तुसी बिस्मिल्ला करके निकाह शुरू करो। बिस्मिल्ला जाओ मौलवी। पहलो मैनू ईद व्यापारी नाल कल कर लैण दे। शेर खां अरे पहलो मेरा सर जवाब दे सौदागरा। क्या टपके बदमाशी च पैर रखिया सी। अरे मैनू मेरे सवाल दा जवाब चाहिदा बुढ़िया। इन्हां नू दस्से के नहीं। ओए आने दे जो दसना सी ओ दस दित्ता, हुण तू दस बदमाशा। ओए की सोच के इस घर विच कदम रखे आई, ओए की समझ के भरी पड़े विच इस गरीब दी इज्जत नू लका रहे आई। आशिक इज्जत कर इज्जत, इस कमी मजारे दी गल छड़, तू अपनी गल कर। इस दुनिया विच दौलत ते डांग वाले दी इज्जत होंदी है। दौलत तेरे कोल भी बथेरी है ते डांग मेरी भी बड़ी मजबूत है। ऐ हणे फैसला कर के असल इज्जतदार कौन है। सुख से आशिक मैनू ना रोको भाईजान, एक बदमाश की बदमाशी ने शरीफा की शराब पत्र कर रहा है। यदि बंदूक ने साड़ी गैरत को आवाज दी है, हूं मैं पिछा नहीं हटांगा। इन्हों कदमों की याद इज्जत की मौत मर जाएगा या इस बदमाश को कुत्ते की मौत मारांगा। कुत्ते की मौत और तू मरे, तेरे मत्थे का सेहरा और तेरी लाश से सजेगा। हाँ इस घर च शादों की टोली नहीं, तेरा चिल्ला उठेगा। कोई आदमी अपनी जगह तो नहीं ले, नहीं तो गोली मार देगा। अरे ता तू जदों भी आया पहले में नहीं आया। इन अस्पताल जा दो। आ मेरे नाल। ओए अपने भरा नु रोक सकने तो रोक ले चौधरी। ओए शादी तुहानू भी नहीं पवेगी। की सोचन जनाब? शेर खां दी गल ने मैनू कुछ सोचन ते मजबूर कर दिता गामू। अपनी सोचा मैनू दे दियो चौधरी साहब, मैं एक गरीब ते एक जवान धी दा प्यो हां। एहो जिहियां सोचा सिर्फ तियां वालियां दे हिस्से आईयां ने जनाब। मैं चाहना है शादी भाई जाने, शादी हुण जरूर होवेगी, हुणे होवेगी, बल्कि अज ही होवेगी। मैं कहनी है शादी नहीं हो सकती। भाभी बहन चुदराणी है कि कह दिताई ते बिल्ली भी सत घर छड़ के पैंदी है। तैनू लुटण लई मेरे घर लभिया सी बिशप। भाभी चुप तू कर वे बगाड़ता, हाली ते राम दा मुंह भी नहीं हो तकिया ते वड्डी परजाई नू चुप कराण लग पिया। वे जदों ओहदा बूथा वेखेंगा ते मैनू खड़ी खलोती नू जमीन विच गड़ देंगा। चंगी तरह सुन ले, मैं तेरा ऐना ही शौक है। तेरे नू आख दे जिस तरह सिरे बन के तेरे पिछे टुरिया सी, उसी तरह सिर सुट के मेरे अगे टुर पवे। मैं इहदा विआह अपनी मर्जी नाल करांगी, पर शेर खान की मंग नू विआह के मैं अपने खानदान की मौत नू आवाज नहीं लवांगी। चौधरी जिंदगी ते मौत खुदा दे हथ विच है चुदराणी। जान बुझ के मध्य मुँह च जान खुदा ने कदे नहीं बचाया। जे एक गरीब दी इज्जत बचाउंदे होया मैनू मौत आउंदी ते फिर मैं एक वारी छड हजार वारी मरन नू तैयार, पर किसे गरीब नू परी परिया विच बेइज्जत नहीं होन देंगा। मैं भरा दी जंज लैके आया ते इहदी डोली लैके जावांगा। चौधरी तू एदा वड्डा भरा बन के सोचिया, जे एक मासूम पुत्र दा प्यो बन के सोच दो ते एदे सिर ते सेहरा बन के शेर खान दी दुश्मनी व्याण कदी ना निकलता। तू भी एक मासूम दी मां बन के सोचिया चौधराणी, जे एक गरीब ते जवान धी दी मां बन के सोच दी हो ते तेरी जबान चो ज़हर च डुबे लफ्ज कदी ना निकलदे। चौधरी तू यकीन रख चौधराणी, दुनिया दी कोई ताकत, कोई खौफ, कोई जुल्म मैनू ए नेकी दा काम करन तो नहीं रोक सकदे। तुसी बिस्मिल्ला करके निकाह शुरू करो मौलवी साहब। मेरी भाभी सिर्फ जुबान दी कौड़ी है, दिल दी पैड़ी नहीं। दरअसल उन्हें शेर खां दी बदमाशी को डरदे होए साडी शादी दी मुखालफत कीती सी ते हुण शेर खां दी बदमाशी दा खौफ दूर करना मेरा काम है ते अपनी खिदमत नाल उहदा दिल जितना तेरा फर्ज है। अल्लाह ने चाहे ते मैं तन किसे शिकायत दा मौका नहीं देवांगी ते इस फर्ज नूं मैं अपना ईमान समझ के पूरा करांगी। शादो Thank you.
आखिर पता तो चले कि बुनिया की जा रहे हैं। मैं एक मिनट दसा। दस भी दो समझे क्यों नहीं? भाई तू समझा के गल कर ना। मैं शर्म आती। अच्छा जी शर्म आती है मेरे को नहीं है स्वेटर को। इस स्वेटर को देख के मैं प्यार कर। ओहो सानू वेख के तो तुम शर्म आती है तो स्वेटर वेख के प्यार आता है। मैं जी स्वेटर की तू एडी बेचैनी कर दी कुछ दिन होर इंतजार करो एक परौना आने वाला। परौना आने वाला बड़ा खुश नजर आना कोई कारून का खजाना मिल गया छादो है ना छादो। हाँ हाँ की होया छादो जी हो कुछ नहीं पर की गल है कहना की चाहना भाई जान तुम समझते क्यों नहीं वो यार कुछ समझावे भी मैं हमने आके दस ला मेरा दिल कहता जरूर कोई खास ही गल है भाई जान हूं दस गल की है और जी गल है ये तो किसी कुछड़ के बाल का स्वैटर है तुम ठीक समझो जी की मतलब मतलब है ना भाई जान अजकल स्वैटर पहला बनता है तो जी बाल पिछों आता है। चौधरी तेनू हर वेले हसन के सवा कुछ होर भी आंदा तेन भी टोका टाकी तो सवा कुछ होर आंदा भला मैं टोकन वाली कौन आ घर टोकन का हक सिर्फ तेरी लाडली भरजाई मिलिया हूं तो उस गरीब का पिछा छड़ दे हर वे ना उसे दे पिछे पई रहनी मैं उसके पिछे तोप गड्डी हुई है वो तेरे होंदे आ तोप दी की लोड़ है। आहा 16 वरिया बाद आज मैं तेन परी तो तोप ही लगन लग पई है ना मैं चंगी तरह जाननी है चौधरी रोना तो यही है तू कुछ नहीं जानती जे जानना चाहनी है तो स्वैटर वेख स्वैटर मैं पूछनी है किस बलूंगड़े का स्वैटर चुप लिया है ये स्वैटर किसे बलूंगड़े का नहीं मेरे होने वाले भतीजे का है शादो। हाँ हाँ शादो अल्लाह दे फजल नाल थोड़े दिन तक बच्चे दी मां बनने वाली बारह को मैं भरा लाने तेरे घर चाहन वर्गी धी दी है दुश्मन के घर धी चमन की खबर सुनाई उससे जुबान ने दुश्मन को जाके खबरदार कर दे शेर ज्यादा देर पिंजरे च नहीं रह सकता शेर ज्यादा देर पिंजरे च नहीं रह सकता है जिंदगी मौत ते मेरे रब के हाथ विच पहला तू दस बेगैर था तू इतने लैन की आया ओए तू तस्वीर का पहला रुख वेखिया ते मैं अज तेन दूजा रुख विखाण आया जिन्हें भी चट की मंग ना नाता जोड़िया ओए उन्होंने भी कमर ने आवाज मारी है और शरीफा ने घर की दलीस से खलो के जज भी किसी बदमाश ने उन्होंने गैरत को ललकारिया तो उसकी लाश से ना किसी मां के बैन गूंजे ने ना ही किसी इंसान ने कला दिता Oh
की गल है भैणा? चुप क्यों है भैणा, बोलती क्यों नहीं? बर्बाद हो गई। हौसला कर भैन चौधरी, इस मौत की घड़ी तू कि गई जा? इस भैन चौधरी, जे मैं पता हों क्यामत टूटनी तो मैं घरों बाहर ना जाती। चौधरी मैनू ऐना दस, मेरे जवाक का खून किने किया है? मैनू अपने कातल का ना दस चौधरी, ना दस। कातल का कुछ पता नहीं लगा चौधराणी। मनहूस ने मेरा घर उजाड़िया, मैं जिंदा नहीं छड़ांगी, मैं जिंदा नहीं छड़ांगी। होश कर चौधराणी, इस गरीब का गला क्यों दबा रही है? इनू तो अपना कोई होश नहीं। सोच दो खां जी, यह वेला थोड़े सोचने का नहीं। फिका ठीक कहता खां जी, हूं थोड़ा इस पिंड च रहना ठीक नहीं। चुप हो जा फौजिया, अज बेशक मेरा गाटा ला दो, पर आशिक के कतल तो बाद जो कुछ मेरी अखा ने देखे वह मैं अपनी जबान चो जरूर कहांगा। तू कहना की चाहना? कानून के हाथ बड़े लंबे होंगे ने खां जी, पुलिस वाले की नजर को कद तक अपना जुर्म लुकाते रहोगे? तुम पिंड वाले की नजर च आ चुके हो खां जी, जे कल शादु दी नजर च आ गए थे। की मतलब है तेरा? तेरा मतलब है कि मैं उस पागल औरत को डर के पिंड छड़ दिया? वो पागल नहीं खां जी, सिर्फ सदमे नालों दे होश गुम हो गए ने, ते हुण मैं डरना वा। जे कल फिर तुसी उहदे सामने गए तो उहदे जख्म जरूर हरे हो जाएंगे। तो जिस राज नूं अज तक असीं अपनी बदमाशी के जोर नाल दबा बैठे हैं, वह राज दी जबान चो निकल के ते पिंड दे घर घर ते बच्चे बच्चे की जबान ते आ जाएगा। कुछ भी होवे बालिया, मैं मौत को डर के पिंड नहीं छड़ांगा। जान बुझ के मौत दे मुंह जाना बहादुरी नहीं, बेवकूफी है। मौत दा मुंह वेख के शेर भी अपना रास्ता बदल लैंदा है। तेरा मतलब है मैं पिंड छड़ दिया? हालात दा तगादा एहो ही है खान जी। डैने मेरे सुहाग का खून पी के हाले भी तेरी प्यास नहीं बुझी, हूं मेरे यतीम बच्चों का खून पीना चाहनी है? मैं तेरी बाटियां कर देगी। मेरिया नजरों तो दूर हो जा कातले, नहीं तो मैं तेरा खून पी जावांगी।
Time.
इनी जल्दी भी की है? डरनी है जे मान पता लग गया थे। जे प्यार करके भी डरनी है तो फिर इन्हें कदमा तो पीछे मुड़ जा सलमा। प्यार करने वाले नु प्यार दा नाम उच्चा रखने लई कदे अपना आप मिटाना पैंदा है ते कदे दुनिया दे हर रिश्ते नु तोड़ना पैंदा है। मैं दुनिया दे हर रिश्ते नु तोड़ देंगी पर प्यार तो कदे नहीं मोड़ेगी। मेरा ख्याल है गामू नु माई कालो दे कुत्ते ने फिर अज घेर ले। बकवास नहीं कर रहा है ले गामू अजे भी वेला ही कालो की धी का पिछा छड़ दे। किस तरह हो सकता मैं उस बसरे की खजूर का पिछा नहीं छड़ना। चलिया बउआ तू इश्क दी रमदा की जाने मैं तो यह जानना कोई अपने आप नू मिटा के यार नू पांदा कोई यार दे रिश्तेदार नू मुका के यार नू पांदा ते मैं उहदे रिश्तेदार नू खास शीदा नू हासिल करांगा। शीदा शीदा नी अल्लाह इहनू माई कालो दे कुत्ते कोलों बचाए ऐ ते सीधा मौत दे मूंह लगा जा रहे। वेखिया इहनू कहिंदे नी सच्चा इश्क सच ते झूठ दी बहस फेर करांगे। हुण मैं जान दे मेरा भरा शहरो डॉक्टरी दी डिग्री हासिल करके आ रहा। चंगा असीं इश्क दे मरीज़ ना असीं भी किसे दे हथ विखा ही लवांगे ना। मां जी सलमा कि सलमा अपनी सहेली नू मिलन गई है आउंदी आएगी। मैं जद भी शहरों पिंड वापस आया सलमा नू हमेशा घरों बाहर ही वेखिया। ए की कह रहे असलम सलमा मेरी इजाजत नाल गई है। जवान तीनू एनी आजादी देना चंगा नहीं हुंदा। मां जी नाजो भी जवान है अज तक मेरी अखां ने ओनू घर दी चार दीवार तो बाहर कदम रखिया कदी नहीं वेखिया। असलम सलमा मेरी धी है ओदिया रगा शरीफ प्यू का खून है। उन्हें शर्मा वाली मां का दुध पीता हुआ तो जिस कमीनी का तू जिक्र कर रहा है मुंह विच उस बगैरत उस बेशर्म मां के दुध की बू हाली भी आ रही है जिन्हें अपने जराने का रंग गूढ़ा करने लई अपने खावन का खून करा दिता सी। भाई जान खुदा दे खौफ को डरो मां जी ताडे अगे भी जवान थी। असलम जदों मेरी जवान थी विच कोई आए देखेगा ओदा गल करी मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ पर अपनी मासूम धी के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं सुनना चाहती। नाजो तुसी की गल है नाजो तुम मैनू वेख के डर क्यों गई है? डर तो मैनू अपने नसीबा को लगता है डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ए की कह रही है नाजो अज तेरे मुंह चू घर की जुबान क्यों बोलने लग पई है? तू इन्हें बदल क्यों गई नाजो? जमाना बदलने की देर लगती है डॉक्टर साहब जब जमाना आंख बदलता है तो दुनिया की हर चीज बदल जाती है। कोई खुशकिस्मत असलम तो डॉक्टर बन जाता है तो कोई बदकिस्मत नाजो तो यतीम। जमाना लख हक बदले दुनिया चाहे बदल के कुछ दे कुछ हो जाए पर मैं हर हाल च अपनी नाजो का असलम रहूंगा। तेरी खुशी की खातिर चूड़िया तो मैं पा लिया ने पर डरनी हाँ जो ताई जी पता लग गया तो तू फिक्र ना करना सो हूँ ताई जी तेरी मां बनाना मेरा काम है कि समझी? यकीन करना सो वो दिन जरूर आएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।
मां तू क्यों रोने दी है? रोली मां नहीं की है, दुख तीन हो गए तो कलेजा मां का पड़ जाता है। कुछ तो खुदा का खाफ खा मां, नहीं खुदा का अब तो मैं रोज ही खानी हूं तो उस नाम रात दामू नु पुन के खावांगी जरा रोज साढ़े घर के चक्कर लाता है। क्यों भी झूठ बोलती है मां? और ते गरीब नाले ओ गरीब तो दूजी तू मस्कीन, कान खोल के सुन ले सीधा, जे तेरी जुबान ते ओदा ना आया ते मैं तेरी जुबान मार के कुत्ते नु पा देवा। एना कुत्ते नु बाहर कर, जब दे तू कुत्ते पालने इस घर विच रहम दे फरिश्ते फेरा पा छड़ दता। नहीं हले तक मैनू उस फरिश्ते दा पहला फेरा नहीं भुलिया जदों आंदे तेरे पिऊ दा कुट भरिया सी, मेरे सिर दी चुन्नी उड गई, हत्थां दीआं चूड़ियां टुट गईआं, पैरां विच पजेबां लस गईआं ते मैं सुआग नूं रंडी हो गई। नहीं हुण तू फेर बुला के मेरा कुट भरवाना चाहनी है? की कह रही है मां? नहीं मेरा ना काल होए, मैं आप ते काली आ पर मैं दूजियां नूं भी काला कर देवांगी। नहीं इस घर च रहमत दा फरिश्ता आवे ते भावे ना आवे पर मेरे कुत्तियां दी जीवदा जी गामू दा परछावा भी इस घर च दाखल नहीं हो सकता। कुत्तियां खाना खराब होगी छिटा ले दी सुंडिये, जे मैं घर बुला के इन्हें कुत्तियां दी पवाना सी ते दुल्ले नूं आवाज मार लेनी सी। दे तड़को के छाल मार दे गामू, जे तेरा इश्क सच्चा तो तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, छाल मार दे गामू छाल मार दे। ठीक ते जे मेरा इश्क झूठा निकलिया तो इन्हें तो मेरी धोती पाड़ देनी और मर जाए, क्या थोन दी तुरी वर्गा मुंह है तेरा? जे मेरे इश्क दी अदमाइश करनी हो ना तो मैं कहो तेरी मां का गाटा ला के तेरे पैर सुटा, इन्हों को मैं बचाओ। ठीक है पाए मैं लग जाऊ। ठीक ही कह रहे हैं दुल्हिया। मैं ठीक कह रहे हैं मासी, जे तू हुक्म करे ना तो मैं आप कुत्ता बन के तेरे मल्ले च थरथलियां पा दें। हले वो वेला नहीं आया, फिलहाल तेरी थां ते कुत्ता ही काफी है, तू एदा हसब नसब दस। की सिफतां बयान कराए इस कुत्ते दियां मासी? ए उस कुत्ते दी औलाद है जिहड़ा लैला दा कुत्ता सी, इहदे वड्डे इश्क दे दारू सस्ते ए आशका दा मारू है, की समझी है? तू ते मेरे मुंह दी गल खोल लई है दुल्हिया, जे कुत्ता आशका दा वैरी है ना ते फिर तू मैनू दे दे, तेरी बड़ी मेहरबानी होगी। ओ क्यों शर्मसार कर रही है मासी, तू हुक्म करे ते मैं तेरा घर कुत्तियां नाल भर देआं, ओ मैं थरथलियां पा देऊंगा। तैनू थरथलियां पाण दी की लोड़ है दुल्हिया? हुण ते गामू नूं ही कुत्ता ही थरथलियां पाएगा। मैं आप ते काली आ पर मैं दूजियां नूं भी कालियां कर देवांगी। ओ मैं थरथलियां पा देऊंगा। कैसे आऊं मैं तेरे घर, मेरी ही दरख्त के साथ बंधा है तेरा वीर। कैसे आऊं मैं तेरे घर, मेरी ही दरख्त के साथ बंधा है तेरा वीर। बेड़ा गर्क एक कैदी भुखी आ गई। पहले को ठीक है पुत्र, इंशाल्लाह शाम तक बिल्कुल ठीक हो जाओगे, फिक्र करने की कोई लोड़ नहीं मां जी। घर विच डॉक्टर पुत्र होवे ते मां नु फिक्र करने की की लोड़ है? सच पूछे ते मैनु अपनी सेहत को ज्यादा तेरी शादी दी फिक्र रहंदी है। मैं को कुड़ी हां मां जी, ते तुसी फिलहाल सलमा दा ख्याल करो, मुनासिब वक्त ते मैं तुहानु अपनी पसंद भी दस देंगा। मैनु यकीन है मेरे पुत्र दी पसंद किसे उच्चे खानदान दी धी हो सकती है। बिल्कुल अपना खानदान समझो मां जी, उच्चा खानदान उच्ची हवेली, उच्चा नक्त उच्चा ही कद।
कोई ताकत तेन मेरे को जुदा नहीं कर सकती। तुम ही तो कुछ बोल अच्छा। ऐ की कह रही है, मैं सुनी सुनाई नहीं अपनी अखी वेखी कह रही हूं। मां जी मैं अपनी अखा ना नाजो नु पाई जांदे तस्वीर नु अपने सीने ना ला के हसदिया वेखिया, हसदिया वेखिया। जे मैं ओदे हासिया नु वहना च ना बदल दवा ते मैनू अपनी मां ना आखी। गामिया गामिया
जी बीबी जी। कितने दफा आ गया सर? जी मैं बकवास बंद कर, जा जाके बूटे नाई नू बुला के लिया। अच्छा बीबी जी। एक ही कह रहे चुदरानी जी, लाजो का रिश्ता भाई फामा ने बदमाश पुत्र ना करना चाहते। तैनू जिस काम लिए सदिया तू वही कर, मैनू नाजो दे रिश्ते लिए माई फामा का पुत्र ही चाहिए। जैसी रूह वैसे फरिश्ते, समझ गया? समझ गया चुदरानी जी। हूं छेती नाल जाके माई फामा नू आ, कल ऐस हवेली विच आके अपने हीरे पुत्र की गल पक्की कर जा। जिवें तुहाडी खुशी। भैन चुदरानी, मेरे पुत्र की असल पछाण तू की, जे सच पूछे मेरा पुत्र तो एवं बदनाम है। मैं तेरे पुत्र नू दुनिया दी नजरां नाल नहीं अपनी अखां नाल परखिया, ते हुण नाजो दी शादी तेरे पुत्र हीरे नाल करन दा फैसला कर चुकी। रब तेरा भला करे, तू घर आया तो मां रख लिया, हुण दस पुत्र दी जंज लै कदों आवां? मेरे वालों जंज लै के कल ही आ जा, शादी दी सारियां तैयारियां मुकम्मल। हाले एक चीज की कमी रह गई है मां जी, जिथे कीती भी ना कुछ कीता जी, उथे उहदे लई थोड़ा जिहा ज़हर भी मंगवा दिओ। असलम, पढ़ लिख के ए क्यों भूल गया कि मैं तेरी मां वां? तुसी मां हो के क्यों भूल गए हो मां जी? औलाद की अख विच कथर डिगे ते मामा दा कलेजा फट जांदा है, औलाद नू कोई जख्म लगे ते मामा सिर तों पैर तक एक जख्म बन जांदियां ने, औलाद दीआं खुशियां लई अपना आप मिटा दिंदियां ने, पर औलाद दे अरमान दा खून नहीं करदियां। पहला मैनू ऐ दस, मैं मां बन के औलाद नू केड़े जख्म लाए ने, केड़ियां खुशियां दा गल कुटिया? तुसी अपनी औलाद लई बड़ा कुछ कीता मां जी, मैं ते इस हकीकत दा जिंदगी दे आखिरी साह तक इकरार करांगा, पर ऐ गल जरूर कहांगा, अपनी औलाद तुम जन्म देखे मां बनना ते हर एक नौ है, पर किसे यतीम ते बेआसा धी दी मां बनना बड़ा मुश्किल है। असलम, जे बन सकदे हो तो नाजो जी मां बनो मां जी, ओदा हाथ किसे आवारा ते बदमाश जाथी देण दी थां उन्हें अपनी धी बना लो। मैं नाजो नाल ब्याह करन दा फैसला कर चुका। असलम, दरानी जे तेरे पुत्र ने नाजो नाल शादी करन दा फैसला कर ही चुके से, फिर सानू घर बुलाण च की लोड़ सी? चलन जरा चली गए। जब मेरा प्रॉपरी महफिल च अपनी पसंद का ऐलान कर सकता है तो वक्त आलन दे मैं भी साफ कह देंगी कि शादी करांगी तो सिर्फ तेरे नाल करांगी। आखिर तू कहना की चाहना? कहना सिर्फ यह चाहना मां जी कि सलमा हुण बच्ची नहीं जवान है ते उहदा घरों बाहर रहना। असलम, सलमा मेरी धी है ते मैनू अपनी धी की जात इन्ना भरोसा है जिन्ना अपने ते। मां जी, मैं सलमा के बारे च एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहती। जे अपने खानदान की इज्जत का इन्ना ख्याल ही तो जाके उस बेहया की रखवाली कर जिन्हें एक बगैरत एक बेहया मां का दुध पीता है। तू बोली क्या नहीं?
मैं पूछ रहा कौन सी ऐ सवाल ना कर असलम ऐस मस्कीन ते यतीम को ना सिर्फ ऐना पूछ ले के सानू देख के एदे चेहरे दा रंग क्यों उठ गया ते नाल एदी जुबान नु ताला क्यों लग गया ऐ जुबान ते उस दिन खामोश हो गई सी जदों कुदरत ने मैनू यतीम कीता सी नी ए यतीमी दा रोना किधर है होर जाके रो पहला ए दस बेशर्मे मेरे घर विच अपने यार नु कुछ सतियाई ताई जी बक नहीं बगाड़ते निकल जाए तो अच्छा दूर हो जा मेरी नजर तो नहीं मेरे पुत्र नु आवाज मारन दी था अपने यार नु आवाज मार जिन्ने तेरा शराफत दा लिबास उतार के असल रूप विखा दिता है तैनू बेहयाई ते बेशर्मी दा नाटक खेडले मेरे घर दिस रब ते खौफ करो डरो ताई जी यतीम दी आ नाल खुदा दा अर्श हिल जांदा है जे तेरे जे यतीमा दी हां नाल खुदा दा अर्श हिलदा है ते फिर इस धरती ते ना किसे पियो दी पग रहेगी ते ना किसे धी दी सिर ते दुपट्टा ताई जी मैं कहंदी आ मेरी नजर तो दूर हो जा यकीन कर असलम मैं बिल्कुल बेगुनाह हां हाली भी अपनी बेगुनाही दा यकीन दवा रही है बेशर्मे जे मेरी जुबान ते यकीन नहीं आंदा ते मेरी अखां दे हंजू अमल देख ले जो मंदर मेरी अखां ने देखे ओ मेरी अखां दा जख्म बन चुका है ऐ जख्म तेरी अखां दे हंजू नहीं पा सकते हूं तो ऐस कारज के पल नहीं रह सकते नहीं रह असलम मैं कहना चल जा तू मैं बदनामी दे ऐस इश्तेहार नु अपने खानदान दे मसले ते लगदा नहीं वेख देखो आ जा तू सोचनी बद नसीबे यतीमा दे नसीबा च दर दर दे ठेडे ते जिंदगी दे हौके लिखे ने मापे तेरा साथ छड़ चुके ने ऐस कार दे दरवाजे तेरे ते बंद हो गए ने हुन ऐस दरवाजे नु छड़ के किते दर ते जाएंगे ऐस जालम दुनिया विच जिंदा रहना ते कोई मुश्किल नहीं पर एक यतीम ते बेआसरा दा इज्जत बचाना बड़ा मुश्किल है जे अपनी इज्जत बचा सकनी ते बचा ले इज्जत बचा सकनी ते बचा ले इज्जत बचा सकनी है तो बचा ले रहना नहीं चाहती तो मन बचाया क्यों है इसलिए कि खुदकुशी करना हराम है ऐस अजाब दी जिंदगी कलो ते हराम मौत मर जाना ही चंगा है मैं जिंदगी कलो तंग आ गई हां मैनु मर जांदे बुजुर्ग का मर जांदे जे बुजुर्ग आखे ते फिर बुजुर्ग समझ के मेरे ते इत्बार कर दिए दिए तू ऐस नसीबा मारी नु दी आखे ते मैनु इंज लगे जिमे मेरी जिंदगी ते हौके मुक गए ने हुन तू दस बुजुर्ग मैनू की करना चाहिए ए सोचना हुन मेरा काम है मैं तेरी दुनिया ही बदल देंगा आ बैठ पता नहीं यार अजे तक खां ही क्यों नहीं आए घबराना नहीं कोई गल नहीं सब अपने बंदे ने ये आज प्रोना कितनों ले आए हो खान जी ये साड़ा खास प्रोना दारिया वास्ताद शराब दी पूरी बोतली चुक लिया है घबराना है मेरा कार्य आज तो तू इन्हें अपने घर समझ
पर इस घर के बूहे से बैठे हुए लोग कौन ने? ओ आलने डिगे फुट ने। इस दुनिया में इस घर तो सिवा उन्हों का अपना कोई घर नहीं। तू आराम नाल इत्थे बह जा, मैं तेरे खाण पीण लई कुछ लै आवां। शराब की बोतल अंदर छड़ के आप बाहर आ गए हो? मस्ती की शराब चखण तो पहलो देसी शराब का घुट भी भरना ही पैदा। हाँ जी कुछ आए पी गए हो? बजुर्गा ने मेनू शेर खान आख मुटियारे। मैं एक धी हां बजुर्गा, ते इस धी ने तेन बजुर्ग आखिया ते मरदे दम तक बजुर्ग ही समझेगी। जमान नु ढक ले मुटियारे, जहां तेरी जबान ते बुजुर्ग का लफ्ज आया ते मैं तेरी जबान नु हमेशा ही खामोश कर देंगा। जे ए जबान चुप हो गई ते मेरे जिस्म दे खून दा एक एक कतरा चीख चीख के रब को जरूर पूछेगा। कुल दिया शर्मा ते इज्जत रखन वाले रब्बा, जे ए जमीन ते पीवां दिया सूरता जे हो जे इंसान पैदा किते सन ते बे आसरा ते बे सहारा तिया नु जवान क्यों किया? उन्हों की जवानी नु बर्बाद होने तो पहला मौत क्यों नहीं दे देना? मुटियारे जिस जबान नाल मैनू ती आखे हुन उसे जबान नाल मुटियार क्यों आखन लग पे? जिन्ना हाथा नाल ती दी जिंदगी बचाई हुन उन्हें हाथा नाल ती दी इज्जत क्यों लुटन लगे? मेरी कोई ती नहीं। तेरा वजूद पिया दसद कि तेनू भी किसी की ती ने जन्म दिता है। जे तेनू जन्म देने वाली मां हाली जिंदा है ते उहदे कोलों पुछ बाबला, तिया दे प्यो अपने तड़ा नालों गाट लवा देंदे ने पर तिया दे सिर नंगिया नहीं होंदे से। हाली इस धी नूं नंगिया सिर बाबल दे घर दियां कन्नां ने वेख्या, जे दुनिया ने वेख लिया ते तिया दा मान टुट जाएगा। तिया अपने प्यों ते भरोसा करना छड़ देनगियां। जिस दिन इंज हो गया ओ दिन खुदा दी खुदाई दा आखिरी दिन होएगा। अपने इन्हां हत्थां नाल धी दा नंगा सिर कज लै बाबला। बकवास बंद कर विशे ने, बार बार बाबला आके अपनी जबान तक लफ्ज भी ना कड़ी। अपनी कच्ची जबान खोलने पहले चंगी तरह सुन ले। इस वेले इस थां ते ना कोई धी धी ना प्यो प्यो तू घरों बाहर के धी तो लुटता माल बन चुकी है। मैं शराफत की हदा टप के शरीफ तो बदमाश बन चुका। असी दमे इको कश्ती के सवार हाँ, साढ़े दोवे का आगाज भी इक्के बुजुर्ग की शराब का मुंह काला करके अली तीरों का दावा कर लिए। तू तीर नहीं लुटता मान, लुटना तेरा मुकद्दर बन चुका, लुटना तेरी तकदीर बन चुकी है। ते हुण इस लुटते बाद कोई यार बन के लुटेगा, कोई तकदीर बन चुकी है, मैं भी बर्दाश्त कर लेनी हूँ। कोई यार बन के लुटेगा, कोई तमाशबीन बन के लुटेगा, कोई बदमाश बन के लुटेगा, मैं भी मान लेनी हूँ। हूं तो मन से भावे ना मन बदमाश है, लुटते माल नु कोई तीरा बाबल बन के भी लुट सकता है। ओ शैतान तू मैं बाबला गुड़िए नहीं, लुटता माल आख बदमाश है। मैं कहनी हूं इस लुटते माल नु तीर आके लुट वे बाबला। वे मुंह क्यों मोड़ ली बदमाश है? मैं कहनी इस लुटते माल नु लुट क्यों नहीं? नजर नजर
رب دے واسطے چپ کر جا ایک مظلوم تی دے زخمہ نو زبان دے کے انہیں نو چپ کیوں کران لگتے ہیں تی آکے لڑدہ مال کہن والے باپلا ہون ایس لڑتے مال نو لڑدہ کیوں نہیں میں کہنی ہاں لڑدہ کیوں نہیں او کر نی روک کیوں گئی ہیں چھیتی نل دا سو کر کس بغیرت ہے نی بول بول دے کیوں نہیں میں کچھ نہیں او کر کس بغیرت ہے سچی گالے وے چودرانی جی मैनू ना लैन लगे डर लगता है वो मल्ले दे सब तो वड्डे बदमाश तक आ रहे ए मतलब है करो ना कि आन वाली उस बेहया अपने घर पान वाला शेर खां है शेर खां ने आज तक पिंड वाली की शराफत देखी है हूं उन्हें अवारा से बदमाश कुड़ी नू अपने घर में पा के सारे पिंड की गलत आवाज मारी है हूं उसकी आवाज पिंड के गबरू जवाना तक अपड़ गई तो वह शेर खां के घर की इटा लिट बचा देंगे उसकी लाश से टोटे करके सारे पिंड की गली गली कार कार टंग देंगे ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆਖਿਆ ਚੁਦਰਾਣੀ ਜੀ ਉਹ ਵੇਲਾ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਜੜ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਪਿੰਡ ਛੱਡਣਾ ਪਏਗਾ ਨੂਰਾ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿਸ ਬੇਹਿਆ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਮਾਵਾ
मां जी जबान नु काबू च रख दी बगैर से हूं जे चुदरानी नु मां कहते मैं तेरी जीभ खींच लेनी है एहो ये चुदरानी जी जे करो नट के ते ए झूठ तुम ते बता सच्ची गल सुन के चीका क्यों मारन लग पई है दस तू कौन है ते की नाम है तेरा बोल पक्के ने बदमाश नाल नाता जोड़या की सोच के तू हाली तक चुप है मैं सोच के चुप हां चुदरानी के जिन्ना बदनसीब तियां दे मापे साथ छड़ जाने ने वो कन्नू बोलियां ते जबानों गूंगियां हो जानियां ने अपने इना हंजुआ नु डक ले मक्कारे तेरे ए हंजू तेरे मुंह ते लगे होए कालक नु नहीं तो सकदे सिद्धी तरह अपने पिछले दा पता दस ले नहीं ते याद रख तेरा मुंह काला करके गली गली ते कार कार फिरा देंगी मेरे पिछले ने पूछ के की करोगे चुदरानी जी रब दा वास्ता जे मेरे जख्मा ना छेड़ो मैनू मेरे हाल ते छड़ ए गंदी मछली नु छड़ दे ते सारा जल खराब हो जांदा है तैनू तेरे हाल ते छड़ दे ते इस मल्ले विच था था बदमाशी ते याशी दे अड्डे खुल जांगे ते मेरे जिंदिया जी कदे नहीं हो सकदा क्यों थी दे रिश्ते दी आड़ विच ओ इस बदमाश ने जड़ा नाटक तू खेल रही है ओ इथे नहीं चल सकदा खुदा दे खौफ कलो डरो चुदरानी जी ओ बदमाश ने मेरा प्यू है तुसे शेर खान सिर्फ मल्ले वाले ने नजर नाल देखे ते ओ तानू बदमाश नजर आया जे तुसी ऐस यतीम ते ब्यासा तीदियां नजर नाल वेखो ते ओ तानू सिर तो पैरा तक एक प्यू नजर आएगा ने की भलेखे पई पानी है कुड़िए मैं कहनी अपने असल प्यो दा नाम दस उस मन वाले दा नाम पूछ के की करोगे चुगरानी जी जे ओ जिंदा हुंदा ते मैनू ए दिन वेखना नसीब ना हुंदा इहनू कुदरत दा मजाक आखो या मेरा मुकद्दर मेरी जबान ने हाली अब्बा कहना नहीं सी सीखिया ते किसे जालिम ने मेरे प्यो दा खून कर दिता मेरी मां इस सदमे नाल पागल हो गई ते जदों मेरी जबान ने मां कहन दा वल सीखिया ते मां ती दे मुंह ऐ आवाज सुनन तो पहले ही मेरी नजरां तो दूर हो गई नसीब मेरा साथ छड़ गए अपने पराए हो गए हुण ते मेरी जिंदगी अजाब बन चुकी है अजाब बन चुकी है मैनू माफ कर दे तीए मैं तन वल समझे तू ठीक आखे सिर ते मां प्यो दा साया ना होवे ते अपने भी गैर पा जांदे ने तू मैनू अपने मां प्यो दा ना दस खबरे तेरी मां दा पता चल जाए मैं उच्चे पिंड दे चौधरी आशिक दी धी आ ते मेरी करमा मारी मां ने ना शब्द है रब करे तैनू तेरी मां मिल जाए दुआ करो चुदरानी जी रब करे मैनू मेरे प्यो दा कातिल मिल जाए प्यो दे मरण तो लैके आज तक जिन्ने साह मैं लैने उन्ने टोटे उहदी लाश ते मैं करांगी मैं अपनी धी दी ये खास भी पूरी कर देंगा ओए खान उहनू अपनी धी बना लिया तेरे च घबराण वाली कड़ी गल है खान बदमाश तो इतना प्यो बन गया हुण उहदे घर दे दरवाजे अपने ते बंद समझदा रहा ओए इस गल दा भी फैसला अज ही हो जाएगा बशीरिया बदमाशी को पिछा छुड़ाना एडा आसान है जिड्डा तू समझाया सानू बदमाशी दी राह ला के तो आप के नहीं जा सकता जा सकता तू मेरे प्यो दे कातल नु जानने बाबला कातल दी पछाण मैथों वध किन्नी हो सकदी है तीए एक धी दा प्यो बनन तो पहलो इन्हां अखां ने बेशुमार कातल ते खूनी वेखे ने तेरे प्यो दे कातल नु ते मैं अखा बंद करके भी पछाण सकना तू मैनू मेरे प्यो दे कातल दी पछाण करा दे बाबला मैं उहदे कोलों अपने प्यो दा इहो जिहा बदला लवांगी ते बदला मैं लवांगा तीए मरण तो पहलो तैनू तेरे प्यो दे कातल दी सूरत खून च डुब्बी जरूर विखावांगा ए शेर खां दा नहीं एक धी दे बाबल दा कौल है बाबला हां जी और तुसी बाहर आंदे हो कि मैं अंदर आवां ओए अंदर ना आइयो तारिया ओथे खलोता रहो की गल है खां जी मैनू अंदर आउण तो क्यों रोकिया जे इसलिए कि मैं एक जवान धी दा प्यो बन गया तारिया ते जिस घर जवान धी होवे गैरता वाले मां प्यो किसी गैर मर्द दा परछावे उत्थे बर्दाश्त नहीं करदे ओ की कह रहे हो खां जी अरे खान मर गया तारिया ते ओदी मौत दे नाल ओदी बदमाशी भी दम तोड़ चुकी है हुण एक जवान धी दे प्यो दा घर किसे खान बदमाश दा डेरा नहीं अज तो बाद इस घर दा रुख ना करी ओए
तू ते बदमाश तो एक जवान धी का प्यो बने ना ते मैं हुन बदमाश तो तेरा जान ही बनागा। मैं थलिया पा देंगा। की गल है दुलिया? मासी कल साइया किधरे तो बधाइया किधरे मैं थलिया पा देंगा। वे खुल के गल कर। जे गल खुल गई तो तेरिया अखा खुल जानगिया, तेरी पछती डिग पई, तेरे पांडे टूट जानगे। की बकवास पे करना, किसे पुछाल दे पुत्रा। तू मैनू नहीं जानता, मेरा नाम काला है, मैं आप ते काली हां, मैं दूसरे ने भी काला कर देंगी। आ काली माता, दूजे दी मंजी थले डांग फेरन तो पहले अपनी गल कर, तेरी ती शीदा किथे? वे तू पूछ रहा कौन हूं? ओए अपना सारा टब्बर वेच के ते तेरा घर कुत्ते नाल भर दिता, ते हुण कहंदी वे तू कौन है? कड्ड मेरा कुत्ता, नहीं तां थलियां पा देंगा। थलियां पाण दी की जरूरत है मेरा पुत्रा? शीदा अपनी सहेली वाल गई होवेगी। ओ सहेली वाल नहीं, सहेले वाल को, मासी सहेले वाल। हे की पे कहना दुलिया? ओ दुल्ले नु सुट चुल्ले च, ते छेती नाल मेरे नाल चल के ना, ते अपनियां अखां नाल वेख लै के किधरे ना होवे ओ जिहड़ा हैगा ना उहदा सहेला, उहनू ठेले च पा के ते बार्डरों पार लै जा, ते मैं ते तू दोवें हथ मलदे रह जाइए। वे मेरा ना काला है, मैं आप ते काली हां, पर मैं दूसरे नू भी काला कर देवांगी, चल मेरे नाल। ओए मैं थलियां पा देंगा, आ जा चल। मासी हाली ना मरी, हाली ते तू एवें नमूना वेख्या ते अंदरों बाहरों हिल गई है, ते जदों तू मोहब्बत दा पूरा ड्रामा वेख लिया तेरिया जिल्दां उखड़ जाणगियां, तेरी गैरत पूतर पैगी। दुलिया चुप कर जा, जे मेरी गैरत पूतर पई ना ते मैं अड्डी मार के तख्ती हिला देंगी। ओ मासी भुचाल वेख, मैं और रब दा नां ही अड्डी चुक लै, फूक मार के आग गला देंगे। ओ मासी, ओ रब दा वास्ता ही खाना खराब है, की कीता ही है? ओ मैं क्या तेरे अंदर सुई गैस फिट हो गई है? मैं हुन तोरन वाली गल कर, कितने शीदा नू लैके नासी ना जाए, आ जा। मेरे मौला अड़िया, जे मैं तेरे नस गई बन्ना की अपने कुत्तियां नू गल ला के वैन पाएगी। वे मेरे बच्चे, तुहाडी भैन नस गई जे, मैनू पता उस काली गां दे काली शान मकबरा बनेगा, दूरों दूरों कुत्ते आनगे, मत्था टेकनगे, पूछल हिलानगे, ते मुंह आसमानी करके वैन पाणगे। छड माहौल ने, मैं जदों घरों नसण दी सोचदी हां मैनू बड़े खौफ आंदा। ओ बेवकूफे, प्यार करनी है ते खौफ खानी है? प्यार करने वाले ते घर विच हुंजा फेर देंदे ने, ओए अपने दे गाते ला देंदे ने। हाय अल्लाह, तू ते मरम मरान ते आ गया। आ परा मर, प्यार दा ना उच्चा कर ली वड्डियां दा ना नीवा करना पैंदा है, प्यार दा नक उच्चा कर ली वड्डियां दा नक वडवाना पैंदा है, प्यार दा शमला उच्चा कर ली वड्डियां दा शमला जमीन दे विच पैरां दे विच रोलना पैंदा है। दस सब कुछ करेंगी। ओ तू ते रूह दी बड़ी खैरी, मर जे क्या बीमार टिड्डी वर्गा मुंह है तेरा, ओ तो अनपढ़ है ना, ओ तू शीरी फराज सस्सी पुन्नू ते की है हीरा जदी फैमिली च होंदी ते कदी ऐसा ना करदी। मैंने ताने ना मर गमू और तेनू गोली मारा, मैं ते तेरे प्यार दी खातिर सूली ते भी चढ़ जावांगी। आ सदके जावा जी रख शेर दी बचिए, ते जा घर जाके ऐसा हूं जा फिर, ना तीला रवे ना पतीला, ना मझ रवे ना गां ते गांदी फिरे तेरी मां, आखे जाए तो जाए कहां। ए की कह रे गमू? फिर ओहे गल। ए ना गमू, मैं तेरी प्यार दी खातर घर दा का कंडा भी उड़ा दंगी, पर मेरी मां दा की बनेगा? फिरे मुंह तेरा, मां दे तेरी सुई अड़ गई है। ओ बेवकूफ, सुनया नहीं होई? तू नहीं और सही, होर नहीं होर सही, सही ना होर तो होर सही। बेवकूफ, असी दुल्ले नु किस काम ले छड्या? ते इंशाल्लाह जिस वेले असी वापस आवांगे, दुल्ला तेरा पियो होवेगा ते मेरा सहुरा जी, इंशाल्लाह। तेरा खाना खराब, एक दम ही कांटा बदल लेता है, चल अगे लग, आज मैं इन्हां दा कक्कड़ा छुपा देंगी, चल। ओ जा जा के हूं जा फिर। वे हूं जा, हूं फिर। वे मैं तो सार के सो कर देंगी। क्यों मैं सार के सार लगी माँ? फिर तू तो पला मारे। और डूब जा, मैं तो हूं पता लगा तू सोनी के खानदानी चो है। तेरा बेड़ा गर्क जावे, खाना खराब। देखना बेजी, थोड़ी धीमे ना खराब है, मैं तो ना कोई खराब नहीं, भला मेरा ऐसा की सला मेरा। तेरा बेड़ा गर्क।
भगवान भैन खानदान ले बदनामी का दाग बन जाए ते गैरतमंद भरा अपने हथी उस दाग भैन के खून मिटा देंगे असलम मां के सामने खलो के मां के ढिड नु गाला कढ़ रहे मां के दूध नु जहर पिया कहने मैं तेन इस दिल्ली जन्म दिता सी इस दिल्ली डॉक्टर बनाया सी कि अपनी जबान दे नस्तर नाल मां दे सीने ते जख्म लावे मां जी मेरी जवान तीनु अपनी हथी जख्म लाने वाले डॉक्टर जे तू पढ़ लिख के पुत्र तो डॉक्टर बन गया तो फिर डॉक्टर ही रहा डाकू बन के मां दे इतमाद ते भैन दे मान नु क्यों लुटन लग पिया ए की कह रहे हो मां जी जे तू मां दा पुत्र हुंदा डॉक्टर आज मेरी दीदी अखा च हंजू ना होंगे हंजू ने चंग्याड़े ने मां जी जे इन्हें चंग्याड़े को अपनी दीदी इज्जत बचा सकते तो बचा लो सलमा मेरी धी है डॉक्टर मैं तेन पहले भी आख चुकी हूं ते एक बार फिर सुन ले मैं अपनी दीदी इन्ना ही इतमाद है जिन्ना अपनी जात दे पर मैं ना सुन कहूंगा मां जी मैं कुछ सुनना नहीं चाहती जा माए कालो तेरा बेड़ा गर्क हो गए की कुत्तियां समेत मेरे मगर पै गई अच्छा मैं सवेरे लिखना मैं कमेटी वाले दरखास्त कि इन्हों की पूछना वढ़ के लै जाओ हालांकि मैं इन्होंने को ज्यादा वफादार हूं पता नहीं मेरी कदर क्या होगी मौजस चौकी तारो कुत्ता साहबान वेखो वेखो मैं तुहाडे अगे हाथ पिया जोड़ना ओ डाक जी ओए कुत्तेओ ओए कुत्तेओ मेरी राचों हट जाओ ताडा बड़ा असर ओए कुत्तेओ मेरी राचों हट जाओ ताडा बड़ा आसान पेट खातर क्यों कर दे आशिक दा नुकसान होए होए कुत्ते ओ मेरी राचों हट जाओ पुतले तानू सत सलाम प्यार दे दुश्मन बन के ने हो जाओगे बदनाम होए होए प्यार दे दुश्मन बन के ने हो जाओगे बदनाम मेरी मन लो फुट जाओ एथो मेरी मन लो फुट जाओ एथो कर दो साफ मदान होए 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 कुत्ते ओ मेरी राचों हट जाओ खादम ताड़ा सजड़ो मेरा प्यार असूल मैं ते खादम ताड़ा सजड़ो मेरा प्यार असूल आशिक दाना दिल तड़पाओ कर लो अर्ज कबूल होए होए आशिक दाना दिल तड़पाओ कर लो अर्ज कबूल या फिर कर दे ओ मेरे टोटे या फिर कर दे ओ मेरे टोटे हो जावा कुर्बान होए 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 कुत्ते ओ मेरी राचों हट जाओ
ਮੇਰਾ ਖੋਤੇ ਨਾਲ ਲਦੱਬੇ ਪੁੱਛਣਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜੇ ਆ ਖੋਤੇ ਨਾਲ ਲਦੱਬੇ ਪੁੱਛਣਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਏ ਝਗੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਏ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਏ ਝਗੜਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜੱਗ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਏ ਹੋਏ ਓਏ ਪੁੱਤਿਓ ਮੇਰੀ ਰਾਹ ਚੋਂ ਹਟ ਜਾਓ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਭੇੜ ਦੀ ਖਾਤਿਰ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਸ਼ਿਕ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏ ਹੋਏ ਓਏ ਪੁੱਤਿਓ ਮੇਰੀ ਰਾਹ ਚੋਂ ਹਟ ਜਾਓ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਓਏ ਕੁੱਤੇ ਓ ਯਾਲਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਬੰਨ ਹੋਏ ਕਿਧਰੇ ਖਾਨਾ ਖਰਾਬ ਭਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਪਾ ਬਾਕੀ ਨਾ ਚਪਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਮੂ ਇਹਨ ਧੋਤੀ ਕਸਨ ਨਾ ਦੇ ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕਮ ਭਾਈ ਜੀ ਕੀ ਹਾਲ ਏ ਅੱਜ ਬੜੀ ਨਵੀਂ ਧੋਤੀ ਬੰਨੀ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਮੇਰੀ ਧੋਤੀ ਤੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਦੋ ਡੱਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕਾਲੋ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਭੌਂਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਓਏ ਜੇ ਹਾਲ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਮਾਸੀ ਸ਼ੀਦਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛ ਜਿਹਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੋ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕਾਲ ਕੋਠੀ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਓਏ ਬੇੜਾ ਕਰਕਾ ਤੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀ ਢਿੱਡਾ ਟਾਸ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਓਏ ਕੀ ਸੁਣਾ ਤਾ ਯੋ ਦੁਲਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਾਲੋ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਹੱਡੀ ਪਾ ਕੇ ਨਕਸ਼ੇ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗਾ ਤੇ ਦੁਲਿਆ ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੀ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹੱਡੀਆਂ ਲੈਂਦਾ ਆਵਾਂਗਾ ਕੋਰ 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 ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੇ ਮੈਂ ਆ ਬੜਾ ਮਜਬੂਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਹੀ ਆ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸੂਰ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਆ ਪੁੱਤਰਾ ਰਿਸ਼ਵਤ ਗਾਮੂ ਸ਼ੀਦਾ ਸ਼ੀਦਾ ਹੋ ਮਾਈ ਕਾਲੋ ਉਰਫ ਚਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਤੰਦੂਰ ਦਫਾ ਦੂਰ ਜੇ ਮੈਂ ਆਪ ਕਾਲੀ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੀ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇਰਾ ਯੌਮ-ਏ-ਹਿਸਾਬ ਆ ਗਿਆ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤੇ ਸ਼ੀਦਾਂ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੜੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਦਾ ਸਾਥ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਲਾਂਗਾ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰਾਂ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਸਲੂਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਕਰਾਂਗੀ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਵੇਖੇਗਾ ਪੱਪੂ ਡੱਬੂ ਮੋਦੀ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਇਸ ਬੱਦ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀਆਂ ਫੁੱਟ ਕੇ ਕਰ ਦਵੋ ਆਏ ਬੇਬੇ ਬੁਲਾਣ ਡਈ ਜੇ ਆ ਵੇਖ ਲੈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਆਣਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਹੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾ ਆਇਆ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਖਾਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਖਾਣ ਡਏ ਨੇ ਹੁਣ ਅੱਖੋਂ ਅੰਨੇ ਕੰਨੋਂ ਬੋਲੋ ਤੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗੂੰਗੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਲ ਫੜ ਤੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਬੁਰਕੀ ਤੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦੇਣੇ ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਥਰਥਲੀਆਂ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ ਕੀ ਪਿਆ ਭੌਂਕਣਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੁੱਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਤਰਥਲੀਆਂ ਪਾ ਦੇਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪਸੂੜੀਆਂ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ ਤੇ ਪਸੂੜੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਆਹ ਭੁੱਖੇ ਕੁੱਤੇ ਪਾ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਤਜ਼ਰ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕਤੇਬ ਖਾਣ ਦੇ ਲੈ ਆਏ ਨੀ ਚੱਲ ਹਾਂ ਡੱਬੂ ਤੈਨੂੰ ਪਾ ਦੇ ਖੱਲੀਆਂ ਲਫੜ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਮਾਈ ਕਾਲੋ ਹੁਣ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਗਈ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾ ਤੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਰੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਲੂਕ ਕਰਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜਵਾਈ ਆਪਣੀ ਸੱਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਦਿਓ ਮਾਂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰ ਲਓ
मैंने तो आधे पसीने जो अपने मां के दूध की खुशबू आ रही है थले ध्यान मारो वेखो तुहाडे डब्बू वांगू मैं तुहाडे पैरे जाके पूछल हिलान दे आ मैं उहदे कोल घट वफादार ते नहीं जे तुसां मैनूं कबूल ना कीता ते मैं तुहाडे गिट्टे दे उत्ते चक वड्डांगा फिर तू चप खा के डरोगे की फायदा वे पुत्रा मां तू मैनूं मां कह के बुलाया है ते मेरी ममता पुत्र पई है धरती कम गई है कोठा हिल गया मां जी अपने आप ते कंट्रोल करो किधरे भुचाल ही ना आ जाए अज तो तू मेरा पुत्र ते शीदा मुबारक हो जी खैर मुबारक सीधा गा हो गए किथे जावा धोबी का कुत्ता ना करता ना पैर ओए सुन वेख के हस दो कोई गल नहीं वो की प्या कहना है मैं ठीक प्या कहना है इस वेले शेर खां कर रही हूं जो शेर खां करनी तो सानू किसी का डर नहीं ओए मैं शेर खां की धी से अपनी पसंद जरूर हासिल करांगा ओए मैं टक्कर कर दिया दो टके की पागी चंगी जिन्होंने सीने ना लाई बैठी है बख नहीं कमीने मैं पूछ रहा तो इतने लैन की आया तेन लैन आया जे सीधी तरह ना टुड़ियो तो मैं तेन चुक के डेरे ला जाऊंगा हाली नहीं वेला पिछा मुड़ जा बगैर था तू सामने होवे तो किस कहर का जानू जी करता इधर मार इधर मार अपनी इज्जत नो मर्द गैर समझती है पर मर्द हवरे किवें अपनी गैरत नु खडौना समझ के उतना खेड़ के देंदे ने मैनु ते कुछ समझ नहीं आई कुछ समझ नहीं आई Yeah!
ना वो मेरी धीए गैरत वाले मापे दिया धियां कोई इस तरह करके नहीं जा सकता आ मेरे नाल जवाब अपने आप को पूछ मां ऐस चोर दरवाजे को पूछ या ऐस रस्सी को पूछ जेडी साड़ी गैरत नहीं मौत का फंदा बन के लटक रही है ऐ की हो गया असलम ऐ की हो गया तुम्हारा बीजा ही तुम्हारे आगे आए ऐ ना असलम सच्ची गल जबान ते आ नहीं रहंदी मां जी आज ताड़ी लाडली थी ताड़े तमादियां तजियां उड़ा गई जे प्रादी गैरत मुंह काला कर गई जे ते प्यो दी कब्र दी मिट्टी उड़ा गई जे चुप हो जा असलम चुप हो जा आज मुनु बोलन तू ना रोको मां जी आज मैं अपने प्यो दी कब्र ते जाके है सवाल दा जवाब जरूर पूछांगा दूजा दियां तियां दियां इज्जत रखण वाले गैरतमंदा मैनू एना ते दस तेरी अपनी धी ने तेरी इज्जत ते गैरत नु लतार के तेरे खून दा मजाक क्यों उड़ाए आज मैं तेरे कोल भी जरूर पूछांगा दसो मां जी ऐस कर दियां कंधा ने मेरे प्यो दादे दियां मामा पैणा ते तियां सिर नहीं नंगे नहीं सी वेखिया अज तुहाडी धी ने शर्मा दियां सारियां हद्दां टप के मेरे खानदान दे मथे ते बदनामी दा दाग क्यों लाया असलम हुण उस ना मुराद दा ना ना ला ओदा ना क्यों ना लवां असां दोवां ने इको कुख विचो जन्म लिया है इको शर्मा वाली मां दा दुध पीता है साडियां रगां विच इको गैरतमंद प्यो दा खून है हुण तुसीं दसो इस दुध विच मॉडर्न तजीद दा जहर किने कोल है इह खून गंदा किने कीता है सच पुछो मां जी ए सिर्फ ताडे लाड प्यार ते गलत करनी दा नतीजा है रब दा वास्ता ही छेती नाल सलमा नु घर वापस लाया पुत्र अपना कीता हमेशा अगे आंदा है मां ए सब उस जुल्म दा नतीजा है जेड़ा तुसी एक यतीम ते मजलूम ते कीता सी ना तुसी किसे मजलूम दी धी ते बदनामी दी झूठी तोहमत लांदे ते ना अज तुहाडी धी बदनामी दा चलदा फिरदा इश्तहार बनदी ए सब करने दी पन्नी है मां मैं हुण इस रिश्क पल वी नहीं रवांगा ਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇ
भी जे सो पावे ठावे आप ही जुल्म किसे दासंदा Thank you.
ਸੋਚਿਆ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਝੂਠ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦੇ ਸਲਮਾ, ਹਰ ਦਿਲ ਨੂੰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਰਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣੀ ਅੱਜ ਰਾਹ ਜੁਦਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਹ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਵਹਾਈ ਸੀ ਉਸ ਰਾਹ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ। ਉਸ ਰਾਹ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸਲਮਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਇਕਬਾਲ? ਹੁਣ ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਇਆਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਮੋੜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਵਿਛੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਕਬਾਲ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਵਿਛੜਨ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗੀ। ਮੇਰੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਦਾਰਾ ਹਾਲੇ ਜਿਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਬੇਸ਼ਰਮ ਤੇ ਬੇਹਲਾ। ਹੋਸ਼ ਕਰ ਸਲਮਾ, ਮੇਰਾ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਪਿਆ ਕਰਾਨੇ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਰੇਬ ਦੇ ਕੇ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਇਕਬਾਲ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹਾਂ ਸਲਮਾ, ਫਰਕ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਿ ਤੂੰ ਧੀ ਬਣ ਕੇ ਮਾਂ, ਭੈਣ ਬਣ ਕੇ ਪੜਾ ਲੋ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤ ਬਣ ਕੇ ਦੋਸਤੀ ਨੂੰ ਫਰੇਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਫਰੇਬ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਾਤਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਸਕਦੀ। ਇਕਬਾਲ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਆਇਆ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ। ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਲੈ ਸਲਮਾ, ਘਰੋਂ ਨਸੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਰਦ ਮਹਿਬੂਬਾ ਜਾਂ ਦਾਸ਼ਤਾ ਤੇ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੀਵੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਹਰਗਿਜ਼ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗਾਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀ ਵੀ ਤੂੰ ਦਾਵਾ ਬਾਕੀ, ਬਕਵਾਸ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਲਮਾ, ਨਹੀਂ ਡੀਅਰ, ਇਹਨੇ ਥੱਪੜ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਰਿਆ, ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦਿਆਂਗੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ਰੀਰ ਦਾਦੀਏ, ਨੱਚਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਡੰਡੀ ਆਖੀ ਤੇ ਘਰੋਂ ਨੱਸਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁਕਾਰੇਂਗੀ? ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਈ ਸ਼ਰੀਫ, ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਨੱਸਣ ਵਾਲੀ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੈਨੂੰ ਉਹੀ ਦੱਸ ਸਕੇ। ਚਲੋ ਡੀਅਰ। ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੂੰ ਇਸ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗੀ। ਮਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਆਖ ਕੇ ਬਾਜ ਨਾ ਮਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖੌਫ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਮੇਰੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਖਮ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਆਪ ਜ਼ਖਮ ਬਣ ਗਈ ਹਾਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸ ਹੋ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਣ ਖਲੋਤੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਇਸ ਘਰ ਤੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਦੀਏ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਸ਼ਤੀ ਦੇ ਸਵਾਰ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਲੁੱਟਿਆ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ 'ਚ ਲਾਡ ਪਿਆਰ ਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਘੋਲਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਧੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨਾਗਣ ਬਣ ਕੇ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਗੈਰ ਡੰਗਿਆ। ਮਾਂ ਜੀ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਆਖ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾ ਸਲਮਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਖ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ, ਇਸ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਂ ਮਾਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਧੀ ਧੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਮੁਜਰਮ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਮਾਂ ਜੀ, ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਥੋਂ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਤੇਰੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਂ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਫਰਜ਼ ਯਾਦ ਦਿਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਫਰਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਾ ਕਰਾਂਗੀ, ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੀ ਸਲਮਾ, ਇਨਸਾਫ ਕਰਾਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਨੇ ਉਸੇ ਘੜੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਨਾਲ ਪਿਓ ਦੀ ਕਬਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਉਡਾ ਕੇ ਮਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਇਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹੋ ਹੀ ਕੰਧਾਂ ਇਸ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਵੀ ਵੇਖਣਗੀਆਂ। ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ ਮਾਂ ਜੀ? ਮਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਔਲਾਦ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸੋਚਿਆ,
चुप करके मां की अदालत विच खड़ी हो जा सलमा। कितों की अदालत से कहदा इंसाफ है मां जी? मैं जाननी हूं ऐ अदालत ना आज तक किसी ने देखी है ते ना सुनी है। ऐस खानदान की इज्जत की कातल भी मैं आप हाँ, अदालत भी आप लाऊंगी ते फैसला भी आप करांगी। मंजिल तक पहुंचाया है सलमा, तेनू इस मंजिल तक पहुंचाया है। अपने सीने में किन्ने को दफन कर दी? तुसी भी और की पे कहते हो होनी हो के रही ना। दस में मुंडिया तेनू नहीं पता लगा होनी हो के रही तरदे डोले आसमान ही लिया कि की हो गया? तुसी कहना की चाहते हो मां जी? मां ओ मां थे आप कहते मुंडिया जिन्हों कोई मां कहन वाला नजर ना आवे तेनू की बतावे। और तू कोई फिक्र ही ना कर जबरू, मेरा डंगिया भी पानी नहीं मांगता। मैं भी एक चक्कर चलाया हूं शेर खान ना तो खिलाने को जगह लभनी है ना बोलने ली जबान मैं टक्कर कर दिया। चुप क्यों है शेर खान? बोल बोलता क्यों नहीं? मैंने तेरी खामोशी नहीं अपने सवाल का जवाब चाहिए। चौधरी साहब इस बदमाश का जवाब सुनने तो पहले मैं एक बार भरी पंचायत फिर कहांगा आज जिस बदमाश ने अपनी बदमाशी के जोर नाल एक जवान कुड़ी नू घर पा लिया कल नू कोई दूजा बदमाश पैदा हो गया तो याद रखो ये शरीफा के महल च ना किसी प्यो के सिर से पग रहेगी ना किसी जवान धी के सिर से दुपट्टा। वो वेला आने तो पहला इस बदमाश का मूह काला करके महल विचों बाहर कर दो चौधरी साहब। तुहाडियां गल्लां सुन के मैनू अज पता लगा कि पिछले वक्त च मापिओ तिया नू जमदी जमीन विच जिंदा क्यों कट देंदे सन? तिया ने मापिआं नू छड्ड आए तू एक बदमाश है तो बदमाश की जबान च गल कर। मैनू एक जवान धी का प्यो ही रहण दे ओए जे मैं फिर बदमाश बन गया तो याद रख ना तुहाडे तड़ा ते सिर रहणगे ते ना पैरां हेठ जमीन। सुनिया जे चौधरी साहब एक पासे जवान धी का प्यो बन के अपने गुनाहों झूठ की बुकल च लगाने की कोशिश कर रहा है ते दूजे पासे बदमाश बन के साडे तड़ा नालों सिर लाण की धमकी दे रहा है। मैं तो सौ गल की इको ही गल जानना चौधरी साहब इंसानियत का खून करन तो बाद जिहड़ा इंसान इंसान तो बदमाश बन जाता है उन्हें सिर्फ बदमाशी नाल ही प्यार हो सकता है। तू सच आख्या सरदारिया दुनिया में हर बंदे नू किसी ना किसी शैमल जरूर प्यार होता है। बदमाश नू बदमाशी नल ते शरीफ नू शराफत नल ते मां प्यो नू अपनी धीआं नल ओए हुण मैं भी सौ गल्लां दी गल जरूर आखांगा जदों मैं बदमाश बन के सिर चुक्या ते तुहाडे सिर मेरे सामने चुक गए ओए तुहाडे हत्थ जुड़ गए तुहाडियां जबानां नू ताले लग गए और
ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਧੀ ਦੇ ਪਾਰ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਰ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹੱਥ ਖੁੱਲ ਗਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਬਾਨਾਂ ਤੋਂ ਤੀਰ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਹੋਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਲਲਕਾਉਂਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਚੁੱਪ ਹੋ ਜਾ ਸ਼ੇਰਖਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਨਾ ਰੋਕੋ ਚੌਧਰੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਧੀ ਦਾ ਪਿਓ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਦੁੱਖ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਧੀ ਦਾ ਪਿਓ ਨਾ ਬਣਾਵੇ। ਕੋਈ ਸ਼ਰੀਫ ਬਣ ਕੇ ਦਬਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣ ਕੇ ਡਰਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਮੁਕੱਦਰ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਦਾ। ਚੌਧਰੀ ਜੀ, ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ? ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਹਯਾਤੀ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਧੀ ਦਾ ਪਿਓ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਬਦਮਾਸ਼ ਬਣਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇਰੇ ਜੁੜੇ ਹੱਥ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ, ਇਹ ਜੁੜੇ ਹੱਥ ਇੱਕ ਧੀ ਦੇ ਪਿਓ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਬਦਮਾਸ਼ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ? ਫੇਰ ਇਹਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਝੂਠਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੌਣ? ਤੂੰ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਹੀਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਤਾਰੇ ਦੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਧੀ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਖੈਰਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਹਸ਼ਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਕਮਲੀ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ, ਓ ਸ਼ੇਰ ਖਾਂ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਓਏ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮਾਰ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਓਏ, ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬਗੈਰਤ ਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਓਏ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਧੀ ਦੇ ਪਿਓ ਦੀ ਗੈਰਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਆਮਤ ਕਿਵੇਂ ਟੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਓਏ ਬੁੱਢਿਆ, ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਖਤਮਾ ਤੇ ਪਿੱਛਾ ਮੁੜ ਜਾ। ਓਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਮਾਸ਼ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੱਕ ਸਕਦਾ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਬਕ ਦਿਆਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਲਈ ਮਦਦ ਬਣ ਜਾਏ। Thank you.
की दसा मां, वैरिया ने मेरे प्यो के जिसम से इन्ने को जख्म लाए ने कि मैं गिन भी नहीं सकी। जख्मां नूं गिन लै जांदा सी इन्हां नूं होर टुटियां करीने किसे नजर ना आ जाए अपने घर। तेरी मां तैनूं देखती होगी उत्थे ते मौत मेरे प्यो का राह पे देखती है। मैं डॉक्टर नूं अपने नाल लैके जावांगी। ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਰਾਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਅਵਰੇ ਸਾਰੀ ਕੌਣ ਹੈ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਥੋੜੇ ਸਾਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਾਬਾ? ਇਹ ਉਹ ਮਿਲਾ ਧੀ ਜਦੋਂ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਾਤਲ, ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾ ਕਾਤਲ ਮੈਂ ਧੀਏ। ਬਾਬਾ ਕਾਤਲ, ਨਾਜ਼ੋ
मरण तो पहलो तेन तेरे प्यो के कातल की सूरत खून च डुबी जरूर विखावगा। शेर खान का नहीं,